A very good morning to everybody. Welcome to Youth Questions supported by International Institute for CSR. Today we have with us a very prominent uh, political leader who has been in politics for past forty-five years. He presently handles twenty-one ministries in India. He has been two times state minister in Haryana. Presently, is the Rajya Sabha member of Parliament um, in Haryana. He's also a member, committee member of Hindi Advisory for Women and Child Development, member of Urban Development Ministry. And in the ministries that um, he handles, some of the key ministries are Defense, Home, HRD, Education, Foreign, uh, foreign Ministry. So uh, let us uh, all uh, welcome Sri uh, Ramchandar Jangra uh, sir. और ना शो वेलकम टू धन्यवाद आपको नए साल की और हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएं और आप हमारे शो में आ रहे हैं उसके लिए भी बहुत-बहुत शुभकामनाएं जी आपको भी सबको शुभकामनाएं सर uh, आप सोसाइटी uh, आप पॉलिटिक्स में 45 इयर्स से हैं uh, आपने बहुत यंग एज से पॉलिटिक्स जॉइन uh, किया वो क्या इंस्पिरेशन थी जिसकी वजह से आपने पॉलिटिक्स का रास्ता अपनाया दरअसल मैं छात्र जीवन में मेरे कोई पिछले संस्कार थे या क्या थे मैं शुरू से ही एक लड़ाकी और विद्रोही प्रवृत्ति का रहा बचपन से और किसी अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना एक स्वभाव में शामिल रहा तो छात्र जीवन में एक 1970 में जब मैं बीए पार्ट 2 में था तो हरियाणा में एक आंदोलन हुआ था पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्र के बंटवारे के बारे में तो उसमें मैंने हिस्सा लिया और अग्रिम पंक्ति में मैं रहा तो उस समय मेरा परिचय हुआ स्वामी अग्निवेश जो आजकल इस दुनिया में नहीं है स्वामी इंद्रवेश जी डॉक्टर मंगलसेन जी वहाँ जो रोहतक में विधायक होते थे भारतीय जनसंघ के तो उनसे बहुत प्रेरणा मिली और मैंने आफ्टर uh, ग्रेजुएशन जो है ना स्नातक होने के बाद ये निर्णय लिया कि मैं समाज सेवा में और राजनीति में रहूंगा कोई सर्विस के लिए मैंने कभी अप्लाई भी नहीं किया ना कोई कोशिश की और महम में, में पिताजियों का छोटा सा कारोबार था उसी को मैंने संभाल लिया उसके बाद महम संयोग से उपचुनाव का एक केंद्र रहा वहाँ काफी उपचुनाव हुए तो उन उपचुनाव में हिस्सा लिया तो चौधरी देवीलाल से और अन्य लीडर से विशेषतः पिछड़े वर्गों के बहुत बड़े नेता थे आदिय करपुरी ठाकुर जी से उनसे परिचय हुआ तो उस समय जो नेता थे वो शिक्षक भी थे वो चिंतक भी थे वो मैनिपुलेटर नहीं थे उनके शब्दों से प्रेरणा मिलती थी और वो पढ़ते थे लिखते थे सोचते थे आम आदमी के विषय में उनका एक प्रोग्राम रहता था उनके दिमाग में आम आदमी के उत्थान के लिए तो हमें उनी संस्कारों के बीच में पले पड़े पड़े और वही संस्कार राजनीति में भी मेरे रहे तो हमेशा ये रहा कि किसी अन्याय को सहन नहीं करना है किसी अत्याचार को सहन नहीं करना है और तो काफी बार टकराव भी होता रहा चुनाव हारते रहे लेकिन मेरे जीवन में एक ध्येय था कि कभी ना कभी मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाके गरीब लोगों की एक आवाज के रूप में अपने आप को दिखाऊंगा कि गरीब आदमी के लड़ना चाहिए गरीब आदमी के विषय को उठाना चाहिए तो वो लड़ते 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 और वो पैंतालीस साल बाद मेरे जीवन का और सपना साकार हुआ मैं मार्च 2020 के अंदर हिंदुस्तान के ऊपरी सदन के अंदर आया तो लंबा एक राजनीति का सफर रहा मेरा कहने का मतलब यही है कि उस समय जो लीडर्स थे वो शिक्षक भी थे वो चिंतक भी थे जिनकी वजह से हमारे दिमाग में कभी राजनीति में पैसा कमाने की पद प्रतिष्ठा का लोभ नहीं रहा बल्कि राजनीति में संघर्ष का ही एक वो रहा अपने अंदर एक प्रेरणा रही और उस बीच में जो साहित्य पढ़ने को मिला डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अन्य राम मनोहर लोहिया जी का हमारे जब मैं संपर्क में आया संघ के तो दीनदयाल उपाध्याय जी का तो डॉक्टर हैडेगवार जी का ठेंगड़ी जी का वही स्वभाव रहा कि लड़ना है और आम आदमी के लिए काम करना है राष्ट्र के लिए समर्पित रहना है कभी राजनीति के अंदर पैसा वैसा कमाने की कोई दिमाग में आई भी नहीं और इसी तरह से संघर्ष चलते चलते आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर आ गया इट्स अ वेरी बहुत इंस्पिरेशनल और काफी युवाओं को प्रेरणा मिल, मिलेगी आपका संघर्ष और की आपकी विजन समझते हुए uh, आज के दौरान कोरोना की वजह से पूरा जगत एक स्टैंड एक स्टिल पर है तो अः uh, इससे लड़ने के लिए आपने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं आपने राज्य में सभी राज्यों में वैसे तो भारत सरकार सभी इनिशिएटिव ले रही है टीकाकरण बहुत ही इतना लार्ज स्केल के ऊपर हिंदुस्तान में हुआ है इतना कभी किसी देश के अंदर हुआ है नहीं इतनी ज़्यादा जनसंख्या में और इतने स्तर के ऊपर टीकाकरण होना यह बहुत बड़ी सरकार की उपलब्धि है इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ी है लोगों की और इसमें खास तौर पर जो मेरा अनुभव है वो ये है कि हमें प्राकृतिक जीवन जितना हम जियेंगे उतना ही बीमारियों से दूर रहेंगे और इसमें थोड़ा सा अपना प्रिकॉशन भी अब ध्यान भी रखने का विषय है कि हम मास्क रखें और ऐसी कोई चीज़ ना खाएं जिससे को ठंड बढ़े कोई शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर कम हो नशे से दूर रहें चाहे वो बीडी सिगरेट का है चाहे शराब का है चाहे अन्य कोई वो है जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को कम करती हैं उनको उनसे दूर रहें और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली जो प्राकृतिक चीज़ें हैं हमें रोजाना अपने खाने में लसन का प्रयोग करते हैं वो करना चाहिए इम्यूनिटी बढ़ाता है हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए वो इम्यूनिटी बढ़ाती हैं हमें दूध पीना चाहिए और अपना एक शुद्धता का बड़ा इसमें आज के जमाने में बहुत ही चिंता का विषय है सब्जी मिलती है उनके अंदर भी शुद्धता बहुत कम मिलती है पेस्टिसाइड अंधा धुंध छिड़काव कर दिया जाता है अनाज में भी शुद्धता कम है बहुत सी चीजें हैं इसका कारण लेकिन फिर भी हम मोटे अनाज का प्रयोग करें जैसे हम अपने घर में बाजरा जवार जौ मक्का और गेहूं बहुत कम प्रयोग करते हैं चना तो मोटे अनाज का खाना बच्चों को खिलाते हैं और घर में गाय भी रखते हैं हम तो गाय का ही दूध पीते हैं अपने घर की गाय की लस्सी पीते हैं घर की गाय का यह मक्खन खाते हैं तो इन चीज़ों में थोड़ा सा हमें प्राकृतिक रूप से संभालना होगा प्रकृति के साथ जितना छेड़छाड़ इंसान ने किया है उतना इंसान ने उसका नुकसान उठाया है तो पहले इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा थी लोगों में आज के दिन इम्यूनिटी पावर कम हुई है उसका कारण है वायु प्रदूषण है हमारा जल प्रदूषित है हमारा खान पान में प्रदूषण है अंधाधुंद पेस्टिसाइड का उपयोग है खाद्यान्नों के अंदर तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखें टीकाकरण करवाएं और अपना थोड़ा सा जो भी प्रिकॉशंस हैं दूरी बना के रखें, जिसको भी थोड़ा सा बहुत ये लगे कि भाई तेरे अंदर कोई सिम्टम आए हैं तो अपने आप को प्रकृतिक संसाधनों से जैसे बाबा रामदेव जी ने कई चीजें ऐसी निकाली हैं तो उसमें वो कोविशील्ड काफी उससे हम काढ़ा पी सकते हैं गिलोय का बेल का वो ले सकते हैं एलोवेरा और इस किस्म की चीजों से लेंगे जिस जो इम्यूनिटी बढ़ती है वो ही ज्यादा इसमें फायदेमंद होती है मेरा यह अनुभव है थैंक यू सो मच सर आपने हाल ही में खप पंचायत और जट पंचायत का लीगलाइजेशन के ऊपर भाषण दिया था तो उस उस बारे में आप हमें कुछ बता सकेंगे कि एक समय क्योंकि देश में कोई अलग से संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी ना कोई आईपीसी कोई इंडियन पैनल कोड था पंचायतें ही सारे सामाजिक समस्याओं का निदान करती थी जब भी समाज में कोई भी समस्या आती कहीं कोई आपस का टकराव हो जाता लड़ाई हो जाती हत्या हो जाती कोई और हो जाता तो पंचायती तौर के ऊपर फैसले किए जाते थे बहुत ही स्वस्थ परंपरा हिंदुस्तान की पंचायती परंपरा की रही थी और उस समय पंचायतें जो थी जैसे मैं महम अंदर रहता हूं तो महम चौबीस पंचायत उसका नाम था हमारे साथ लगता हुआ इलाका है उसका सत्रोड़ इलाका बोलते हैं उसको उसके साथ लगा लगता हुआ इलाका एक रोगी खाप पंचायत बोलते हैं रोगी तो सत्रौड़ में बयालीस गांवों का एक समूह था चौबीस में चौबीस गांवों का एक समूह था रोगी में इसे तीस बत्तीस गाँव होंगे शायद मेरे को पूरा ध्यान नहीं और तो इस किस्म की जो पंचायतें थी वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर कोई भी सामाजिक टकराव आपस का भाई भाई का कोई झगड़ा होता आपस में सामाजिक कोई बात होती कोई विवाह रिश्तों में कोई ए, बेटे बेटियों के वैवाहिक संबंधों में कोई टकराव हो जाता तो उन चीजों का वो निराकरण पंचायत बैठ के कर लेती थी तब वो बहुत ही अच्छा एक सिस्टम था हमारे समाज का लेकिन जो एक पर्टिकुलर किसी गोत्र के नाम पर जो पंचायतों का उद्भव जो हुआ है मैं इसको ठीक नहीं समझता हूँ जैसे किसी ने कह दिया ये दया खाप है ये मलिक खाप है ये धनखड़ खाप है ये फलाना खाप है क्योंकि हर गाँव के अंदर छत्तीस बरादरी के लोग रहते हैं हर इलाके के अंदर छत्तीस बरादरी के लोग रहते हैं किसी पर्टिकुलर गोत के नाम से अगर कोई पंचायत होती है तो उसको पूरा समाज मान्यता नहीं देता है ये ये बंद कर देना चाहिए समाज को हाँ आज भी जो अपने खाप पंचायतें हैं उनका एक महत्व है और बहुत से ऐसे काम होते हैं जो अगर उनको अदालत में ले जाया जाए तो लंबे समय तक उनका कोई पता नहीं कितना लंबा वो विषय खींच सकता है लेकिन पंचायत में भाईचारे में बैठ के वो फैसला होके सबको मान्य भी हो जाता है उस पर खर्च भी नहीं आता और प्यार भी बना रहता है अदालत में एक आदमी विजेता होता है तो एक हारता है तो आपस में, में से बना रहता है लेकिन पंचायत में अगर फैसला होता है तो दोनों को पहले भाईचारे का सबक सिखाया जाता है भाई बनाया जाता है आपस में प्यार सिखाया जाता है तो इन पंचायतों का भी बहुत बड़ा महत्व है लेकिन कुछ जगह जैसे आज के जमाने में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया लड़के लड़कियां भाग के शादी कर लेते हैं और वहां पर एक ऑनर किलिंग वगैरह होती है ये बहुत ही समाज के लिए शर्मनाक विषय है हमें अब किलिंग के लिए जिम्मेदार कौन है हमने वातावरण ऐसा बना दिया कि लड़कियां लड़कियां अपने संस्कारों को भूल गई तो जब संस्कार नहीं होंगे तो या तो संस्कारों की स्थापना करें बच्चों को पहले जो हम हमारा जो जमाना था हम जब बस में चढ़ जाते थे तो अगर दो चार लड़कियां होती तो समझती थी अब तो हमारे भाई आगे बस में चढ़ गए अब हमें किसी से कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन आज लड़कियों के बस में अगर दो लड़के चढ़ जाए तो वो बेचारी भयभीत तो हो जाती है कि ये बदमाश कहाँ से आ गए अभी हमारे पता नहीं क्या हमारे साथ कोई छेड़खानी ना कर दे तो एक संस्कारों का जो एक गिरावट आई है संस्कारों में हमें आजादी तक इतने लंबे समय तक मुगल काल रहा अंग्रेजों का समय रहा लेकिन हमारी संस्कृति में गिरावट नहीं आई लेकिन आजादी के बाद जितनी गिरावट आई है हमने शिक्षा का स्तर भी मैकाले के ऊपर रखा हमने फिल्मों का स्तर भी गिरा दिया हम जब पढ़ते थे तो फिल्में बनती थी घूंघट पिक्चर थी उसके ऊपर घूंघट का विषय था कि ये एक समाज में बुराई है एक हमने पिक्चर देखी तीन बहुरानिया पिक्चर उसमें था भी आदमी को अपने लिमिट में रह के खर्च करना चाहिए दिखावा करने से आदमी Uh, सारा परिवार बर्बाद हो जाता है तो ऐसी प्रेरणा उनका कोई कोई थीम होता था लेकिन आज कोई थीम नहीं है बाहर निकलते हैं किसी को कुछ याद नहीं सिर्फ नंगा पड़े याद रहता है तो जब हम बाजार में निकलते हैं सुबह का अखबार उठाते हैं सुबह अखबार में उठाते ही अगर सामने कोई न कोई सेक्स वर्दी के विज्ञापन मिलेंगे अखबार के अंदर और बाजार में जाएंगे तो फिर वही फिर चीजें मिलेंगी फिर वो शाम तक जो दिमाग के अंदर फीडिंग होती है और शाम को नशे में जब आदमी निकलता है नशा कर लेता है किसी बार में जाके तो फिर वो शिकार की तलाश में रहता है वो यही निर्भया कांड हुए यही दूसरे कांड हुए तो इस किस्म की या तो इन चीजों के ऊपर रुकाउट करनी पड़ेगी जो भी हमारी संस्कृति में ग्राउट लेने वाले जो भी स्टेप हैं उनको रोकना पड़ेगा फिल्मों को भी संयमित करना पड़ेगा विज्ञापनों को भी संयमित करना पड़ेगा प्रचार को संयमित करना पड़ेगा जब संस्कृति आदमी के अंदर आएगी सभ्यता आएगी तब इन चीजों के ऊपर रोक लगेगी वरना लड़के लड़के इसी तरह कदम उठाते रहेंगे और हम उनको मारते रहेंगे तो इस समस्या का कोई समाधान नहीं है जी सर बिल्कुल ठीक कहा आपने सर हरियाणा एक एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है फार्मर्स का वहां पे काफी आ, आ, काम है आ, हाल ही में गवर्नमेंट ने फार्मर्स बिल रिट्रैक्ट किया है आ, पर उस विषय के बारे में आपका क्या सोचना है बिल के बारे में प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कृषि बिलों को जो वापस लिया गया तो बहुत ही स्पष्ट तौर के ऊपर एक बात कही थी कि हमने किसानों के भलाई के लिए ये बिल हम लेके आए थे और सारा सब कुछ कृषि के विकास के लिए कृषि को लाभकारी काम कर बनाने के लिए लाभकारी स्थिति में लाने के लिए हमने ये बिल इस देश के अंदर हम लेके आए थे लेकिन हम कुछ लोगों को नहीं समझा पाए ये हमारी तपस्या में कोई कमी रही होगी प्रधानमंत्री जी ने बड़ा भरे मन से सारी बातें कही थी इस विषय में और मैं समझता हूं कि किसी भी क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया को रोकना जो है वो उसका नुकसान करना है अगर कृषि में सुधार की जरूरत नहीं होती और वही पुराने बिल इतने अच्छे होते तो फिर किसान क्यों आत्महत्याएं करता क्यों घाटे की का सौदा बताता कृषि को कृषि को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए ही नए कृषि कानून लाए गए थे और क्योंकि अगर इंडस्ट्री में कहीं कोई मुनाफा नहीं हो रहा है तो उसमें एक सुधार की प्रक्रिया है टैक्सेशन को हमने ठीक करना है उसमें कच्चे माल की सप्लाई ठीक करनी है पक्के माल की बिक्री के लिए व्यवस्था करनी है तभी इंडस्ट्री पनपेगी इसी तरह खेती में अब हमने क्वांटिटी उत्पादन तो कर दिया एक समय तैतीस करोड़ की आबादी थी देश आजाद हुआ लेकिन पेट भरने के लिए अनाज नहीं था आज एक करोड़ की आबादी के लिए भी सरप्लस अनाज है हमारे पास लेकिन लाखों टन अनाज सड़ जाता है करोड़ों का नुकसान होता है और एक ही किस्म की डर की खेती किसान करता है तो सोचता है अपना उत्पादन किया और मार्केट में लाके डाल दिया उसकी जिम्मेवारी खत्म अब उसका वो कैसे भंडारण होगा कैसे उसको ठीक रखा जाएगा उसकी क्वालिटी कैसी है अंधाधुंध खाद का उपयोग कर दिया वो जाते ही गोदामों में सड़ जाता है और गोदामों में भी बहुत किस्म की हेरा फेरिया होती है वहां के अधिकारी कर्मचारी भी कुछ मिली भगत से भ्रष्टाचार करते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम क्वांटिटी उत्पादन की बजाय क्वालिटी उत्पादन के ऊपर जाएं। हमारा उत्पाद ऐसा हो जो थोड़ा हो देश के लायक हो और शरीर के लायक हो और विश्व स्तर के ऊपर जिसकी गुणवत्ता हो अभी मैं साउथ के अंदर गया था केरला के अंदर वहां पर चार चार पांच पांच लाख रुपए एकड़ का आ, उत्पादन उठाते हैं लोग गुजरात में भी ऐसे कृषि फार्म मैंने देखे हैं और छत्तीसगढ़ के में भी देखे हैं वो मसालों की खेती करते हैं काली मिर्च का उत्पादन करते हैं इलायची का उत्पादन करते हैं दालचीनी का उत्पादन करते हैं अब हम एक ही डर रहे कि खेती में अंदाधुंध धान उगाया उसके अंदर अंधाधुध पानी का प्रयोग किया और जमीन की जो ताकत है उसको खत्म कर दिया वो बगैर पेस्टिसाइड के बगैर केमिकल यूरिया के बगैर डीएपी के उसमें एक दाना भी पैदा नहीं हो सकता ऐसी फसल की स्थिति लाके रख दी तो आखिरकार इसका आखिरी अंजाम क्या होगा कि पूरे देश की जमीन बंजर हो जाएगी इसलिए कृषि सुधार लाए गए थे लेकिन ये ठीक है कि नहीं समझा पाए प्रधानमंत्री जी ने भी भरे मन से कहा लेकिन मैं आज आपके चैनल के इसके माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं कि एक दिन किसान ही मांग करेंगे कि पुनः कृषि के सुधार के लिए भी देख लिया जाए वरना खेती नष्ट हो जाएगी मैं ये दावा करता हूं और पुनः प्रधानमंत्री जी से अपील करने पड़े पड़ेगी किसानों को ये बहुत ही अच्छे सुधारात्मक बिल थे लेकिन कुछ लोगों की राजनीति की भेंट ये चढ़ गए ये देश के लिए बहुत ही एक गलत हुआ है मैं समझता हूँ अभी लेकिन चलो ठीक है प्रधानमंत्री जी ने फिर भी सरकार की तो मंशा यही रहेगी कि हम कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा दें उस उसको लाभकारी बनाएं और किसानों की हालात को उभारें किसान की आमदनी को दोगुना करें जैसे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है तो आगे भी सरकार को अपने देश के किसान है अपना ही देश है तो इनसे दूर थोड़ा है आगे भी कोई भी सुधार की जरूरत पड़ेगी तो सरकार करेगी मेरा तो ये कहना है कि कृषि बल ठीक थे और इनके ऊपर जो स्टेप था सरकार का ठीक था लेकिन कुछ किसानों को गुमराह कर दिया पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने स्वार्थवश और वो गुमराह होकर दिल्ली की चारों तरफ बैठ गए तो उस स्थिति को टालने के लिए अपने देश में टकराव को टालने के लिए क्योंकि हमारा साम्यवादी देश नहीं है कि ध्यानमन चौक के ऊपर दस हजार छात्रों के ऊपर बुलडोजर चढ़ा दिए गए गोलियों से भून दिया गया ऐसा हमारा देश पॉलिटिकल प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक स्वभाव का देश है और यहाँ पर अपने ही लोगों को मारने के लिए कोई स्टेप नहीं उठाया जाता उनको समझाने के लिए उठाया जाता है आज नहीं तो कल उनकी समझ में आ जाएगा फिर इनको लागू कर देंगे जिस समय किसान कहेंगे कि हाँ आप ठीक करें हम गुमराह थे उस समय ये चीज ठीक हो जाएगी मेरा इस विषय में यही कहना है Thank you. Thank you so much, sir. Uh, आशा करते हैं कि ग्लोबल चैलेंज आज के टाइम पे लोगों के पास एजुकेशन होने के बावजूद भी नौकरिया नहीं है ये सिर्फ uh, एक क्षेत्र में नहीं है ये ग्लोबल चैलेंज है आप अपने क्षेत्र में ये चीज का सुधार लाने के लिए आ, क्या स्टेप्स उठा रहे हैं ये इस विषय में मेरा ये कहना है कि नौकरियों की अपनी एक सीमा होती है सरकारी नौकरियों की यही विषय प्रधानमंत्री जी ने लिया है जिसको मेक इन इंडिया का नाम दिया है जिसको स्किल इंडिया का नाम दिया है जिसको आत्मनिर्भर भारत का नाम दिया है जिसको वोकल फॉर लोकल का नाम दिया है हमारे देश के अंदर जो अभी तक शिक्षा का जो ढांचा चलता रहा वो वोकेशनल एजुकेशन में उसकी परसेंटेज केवल मात्र पांच प्रतिशत थी पांच पचानवे प्रतिशत लोगों को हमने क्लर्क और कंडेक्टर और पटवारी बना दिया तो इतनी पोस्ट कहाँ से आएंगी तो पांच प्रतिशत लोगों को ही के, केवल मात्र रोजगार मुखी शिक्षा मिली तो पिचानवे प्रतिशत लोगों को तो हमने सरकारी नौकरी के लिए तैयार कर दिया तो इतनी नौकरियां आएंगी कहाँ से अमेरिका में ये परसेंटेज वोकेशनल एजुकेशन की चालीस प्रतिशत है और सबसे ज्यादा कोरिया के अंदर वोकेशनल एजुकेशन रोजगार और रोजगार मुखी जो शिक्षा है वो छियानवे प्रतिशत है वहां पर छियानवे प्रतिशत जो छात्र है वो शिक्षा जब लेके निकलता है तो वो रोजगार के लिए कोशिश करता है अपने काम के लिए कोशिश करता है अपने स्वयं के बिजनेस के लिए कोशिश करता है वो नौकरी के लिए नहीं भागता है तो शिक्षा के क्षेत्र में अब बहुत बड़ा सुधार की प्रक्रिया आरंभ हुई है नई शिक्षा नीति जो आई है इसमें छात्र जो ग्रेजुएट होके निकलेगा वो किसी न किसी हुनर के साथ भी निकलेगा उसको ये नहीं कि किसी क्लर्क के लिए अप्लाई करना पड़ेगा कंडक्टर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा पटवारी की नौकरी के लिए घूमेगा चपरासी की नौकरी के लिए घूमेगा नहीं उसके हाथ में कोई ना कोई हुनर हो, होगा जिसको स्किल इंडिया का प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया है और आप अब अनुभव करें मैंने देखा है मैं परसों ही वहां पर बेंगलोर में था और जहां पर हिंदुस्तान एच में मैं गया था हिंदुस्तान लिमिटेड में आज वहां तेजस विमान हमारे बन रहे हैं और सत्तर देशों को हम हथियार जो है रक्षा उपकरण सप्लाई कर रहे हैं जबकि पहले हम आयातक थे आज हम निर्यातक की स्थिति के अंदर आ रहे हैं तो जिस समय देश के युवा के हाथों को हुनर दे दिया जाएगा और देश में ही सारी चीजों का निर्माण होगा अब छोटी सी चीज है ये नाखून काटने का नेल कटर होता है ये भी मेड इन कोरिया है मेड इन चाइना मिलता है तो ये व्यवस्था जो है देश के लिए सही नहीं थी अब उस व्यवस्था में पूर्णते से परिवर्तन किया गया है और शिक्षा को रोजगार मुखी बनाया गया है तो मैं समझता हूं अनएम्प्लॉयमेंट का खत्म होने का तरीका यही है कि हर आदमी के हाथ में कोई ना कोई हुनर हो और देश में हर चीज का उत्पादन हो हमारे देश में कच्चे माल की कमी नहीं है लंबे समय तक हमने लोहा जापान को दे दिया चीन को दे दिया अब वहां से प्रोसेस होकर फिर हमने खरीद लिया तो अपने देश में क्यों नहीं किया ये काम ये जो तो सरकारों की नीतियां थी पीछे ये बहुत गलत नीतियां पर देश चलता रहा आज देश के अंदर निर्माण का एक युग शुरू हुआ है प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है मेक इन इंडिया का आत्मनिर्भर भारत का स्किल इंडिया का तो मैं समझता हूं आने वाले समय में दो के बाद व्यवस्था में पूर्णतः परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और मैं समझता हूँ दो हजार उनतीस तक जो है ना हिंदुस्तान में हर आदमी अपना काम करके ऐसी चीजों का उत्पादन करेगा जिनकी खरीद सरकार करेगी और जिन चीजों का हम आयात कर रहे हैं उनके निर्यात निर्यातक जब हम बढ़ जाएंगे तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी थैंक यू थैंक यू सो मच सर तो आई होप स्टार्टअप इंडिया को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा आने वाले समय में तो ये. सर आप एजुकेशन संभाल रहे हैं और वो मिनिस्ट्री आपके अंदर है कोरोना की वजह से काफी सारे स्कूल्स में प्रॉब्लम्स हुए हैं अप्रोक्सीमेटली एटी सिक्स परसेंट जो छात्र है ऑनलाइन एजुकेशन पाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है तो उस विषय में हम क्या कर रहे हैं कि मैं एजुकेशन मैं संभाल नहीं रहा हूं मैं राजभाषा समिति का मैं संयोजक हूं हमारी राजभाषा जो समिति है वो तीन विभागों में बटी हुई है जो पहला जो समिति है उसका मैं संयोजक हूं और हमारे पास इक्कीस मंत्रालय हैं जिनमें विदेश मंत्रालय भी है और रक्षा मंत्रालय भी है गृह मंत्रालय भी है शिक्षा मंत्रालय भी है जैसे पहले जिसका एच नाम था तो और भी मंत्रालय हैं कॉरपोरेट मंत्रालय भी है पेट्रोलियम भी है तो हम इसमें हिंदी के प्रयोग की समीक्षा करते हैं कि राजभाषा का अभी तक देखे देश के लिए बड़ा शर्म का विषय है अब चाइना ने अपनी सारी टेक्नोलॉजी चीनी भाषा में डेवलप कर ली रूस ने अपनी सारी रशियन में, में डेवलप कर ली जर्मन में जर्मनी बोली जाती है फ्रांस में सारा फ्रेंच में होता है सारा काम लेकिन हम आज भी अंग्रेजियत के शिकार हैं तो हमारा विषय वो रहता है लेकिन जहां तक आपने स्कूलों का जो जिक्र किया है मैं समझता हूँ ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल पाती है इसमें बच्चों को छोटी छोटी शिफ्टों में स्कूलों को शुरू कर देना चाहिए सही समाधान ये है कि क्लासेस को सुबह से शाम तक चाहे दो दो तीन तीन घंटे घंटे के लिए एक एक शिफ्ट को बुला लें जो अध्यापक से रूबरू होके जो छात्र सीखता है वो Um, uh, sorry for the intervention. I think so. There is a network challenge. So please be with us. Uh, he would be joining in a few minutes. जी सर अब जी अब जुड़ गया हूँ मैं जी जी बिल्कुल हाँ ये ऑनलाइन शिक्षा में भी यही समस्या है जो अभी हमारे बीच में जो समस्या आई थी इंटरनेट डाउन हो जाता है कभी तो यही समस्या आती है ऑनलाइन शिक्षा में सही नहीं बच्चे का और अध्यापक का संवाद सही नहीं हो पाता वो सही नहीं समझ पाता है और बहुत सी तो हमारे देश के अंदर आबादी ऐसी भी है जिनके पास इंटरनेट की सुविधा की कमी है और जिनके पास कंप्यूटर नहीं है लैपटॉप नहीं है उन बच्चों को बहुत ही मुश्किल आती है तो मैं समझता हूँ स्कूलों को छोटी छोटी शिफ्टों में सत्र में शुरुआत कर देनी चाहिए जितनी शिक्षा क्लास के अंदर जाके छात्र अध्यापक के साथ लेगा वो ऑनलाइन उसका कोई समाधान नहीं है तो मेरा तो सुझाव ये है इसमें बच्चों की शिक्षा के स्तर को बनाए रखना उनको शिक्षित करने के लिए स्कूलों की थोड़े छोटे छोटे सत्र के अंदर शुरुआत कर देनी चाहिए थैंक यू सर। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विषय है हरियाणा uh, में थोड़ी समस्याएं हैं वहाँ पे रोड और स्ट्रीट लाइट जैसी बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो uh, आप इस विषय में हरियाणा के लिए कुछ uh, uh, चीजें कर रहे हैं नहीं हरियाणा में ये स्ट्रीट लाइट वगैरह बेसिक चीजें इनकी तो कोई कमी नहीं है हरियाणा पोटेंशियल स्टेट है और हरियाणा बहुत ही एक अच्छा एक इंडस्ट्री के लिए और व्यापार के लिए क्योंकि जैसे आप गुड़गांव में देखते हो ये हैदराबाद और बेंगलोर के बाद गुड़गांव भी एक बहुत ही बड़े इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में सिटी विकसित हो गया है और गुड़गांव के अगर साउथ क्षेत्र में हम जाएंगे तो जैसे लगेगा हम किसी विदेश में आए हुए हैं तो पूरा हरियाणा एनसीआर रीजन के अंदर तकरीबन आ जाता है और तीन तरफ से दिल्ली को घेरे हुए है तो हरियाणा में बहुत ही प्रचुर साधन भी हैं संभावनाएं भी हैं और ऐसी स्ट्रीट लाइट वगैरह की समस्या की हरियाणा में कोई वो नहीं है कहीं भी देखने को नहीं मिलती है सिर्फ एक बात होती है कि हमें थोड़ा सा इसमें व्यापारी जहां पर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता है तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अभी सड़कों का जाल गडकरी जी ने इतना बिछा दिया है हरियाणा के अंदर से इतने हाईवेज निकल गए हैं कि हर हाईवे के साथ इंडस्ट्रियल हब अब बन सकता है तो उसमें बस कानून व्यवस्था सरकार ठीक रखे जहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक होगी वहां पर अपने आप ही व्यापारी आएगा लेकिन कितना ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें कितना ही कुछ दे दें कितनी सुविधाएं दे दें पानी की बिजली की रोड की कनेक्टिविटी की अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो फिर वहां पर आदमी अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है तो सिर्फ कानून व्यवस्था ठीक रहे बाकी हरियाणा में किसी चीज की कोई कमी नहीं है थैंक यू थैंक यू सो मच सर आपने शुरू में कहा था कि एग्रीकल्चर में काफी सारे फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं Uh, और हरियाणा एक एग्रीकल्चरल uh, स्टेट है स्केल uh, तो आप uh, ये कैसे uh, um, uh, देख रहे हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विदाउट केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स हम जैसे एंड कंज्यूमर्स तक पहुंच सके देखियो सरकार जैविक खेती की को बढ़ावा दे रही है और मेरा तो इस विषय में अपने किसान मैं खुद भी किसान हूँ आज भी हम खेती करते हैं अपने किसान भाइयों से यही मेरा आग्रह है कि वो अंधाधुंध ज्यादा उत्पादन की होड़ से निकल के और अपने उत्पाद की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जैविक खाद का प्रयोग करें गोबर खाद का प्रयोग करें आज हम हरियाणा के अंदर जाएंगे तो गाँव के अंदर से जब गुजरेंगे तो सड़क के किनारे किनारे बड़े बड़े गोबर के ढेर मिल जाएंगे वो खाद जो है उपयुक्त नहीं है जमीन के लिए खाद को बनाया जाता है पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो गड्ढे रखते थे गड्ढों के अंदर गोबर और पेशाब का जाता था जो सड़के जो खाद तैयार होता था वो केमिकल खाद से ज्यादा उपयोगी खाद होता था और कोई क्योंकि पहले पानी की कमी थी संसाधनों की ये कमी थी और उन्नत बीज नहीं थे आज उन्नत बीज आ गए हैं अब एक एकड़ में जहां पंद्रह मन बीस मन अनाज होता था आज पिछहत्तर मन अनाज वहां पर होने लग गया है क्योंकि बीजों की गुणवत्ता में सुधार आया है हरियाणा में कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं थी एच हाँ सबसे पहले चौधरी बंसीलाल के समय में एक यूनिवर्सिटी हरियाणा में बनी मैं चौधरी बंसीलाल के समय में हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन का चेयरमैन रहा तो मुझे देख के अचंबा हुआ कि हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स थे वो सारे के सारे उत्तर प्रदेश के थे जब मैंने पता किया ये कारण क्या है तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोई थी नहीं और उसके लिए एच से स्नातक होना जरूरी है मैनेजर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन थी तो सारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उधर से यू उत्तर प्रदेश से स्नातक आए हुए थे लेकिन आज हरियाणा में एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी हिसार जो है ये विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी है और अन्य यूनिवर्सिटी भी एग्रीकल्चर की बना देनी चाहिए क्योंकि अकेली दूसरी शिक्षा देते रहेंगे तो यहाँ के आल आई 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 एम और आई आई टी और हरियाणा में एम्स भी बनाया है कैंसर इंस्टीट्यूट भी बनाया है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी और बन जाए तो कोई बुराई नहीं है और इसमें मेरा यही कहना है कि आज उन्नत बीज हमारे पास आ चुके हैं किसान जैविक खाद का प्रयोग करेगा गोबर के खाद का प्रयोग करेगा हो सकता है एक साल कुछ आमदनी कम हो तो अगले साल उतनी आमदनी हो जाएगी जितनी हम केमिकल खाद से पैदा करते हैं यूरिया से पैदा करते हैं तो उसमें फसल की गुणवत्ता होगी हमारी भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और अनावश्यक जो देश का पैसा खर्च होता है ये केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर है सब्सिडी का जो पैसा खर्च होता है इससे देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी और वो जो पैसा सब्सिडी का बचेगा वो देश की शिक्षा के लिए स्वास्थ्य के लिए अन्य कामों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम आएगा तो मेरा किसान भाइयों को यह संदेश है कि वो जैविक खेती की तरफ बढ़े और गाय का गोबर यहाँ पर बहुत है गौशालाएं बहुत है घर में पशु भी रखते हैं लोग और आने वाले समय में तो अः ये जो डेयरी फार्मिंग का बहुत बड़ा एक बिजनेस बनने वाला है क्योंकि आज पढ़ी लिखी लड़कियां होगी कोई गोबर नहीं उठाती कोई गाय भैंस का करनी करती नहीं तो अब तो सामूहिक डेयरी व्यवस्था का सिस्टम चलेगा देश के अंदर वरना दूध मिलेगा नहीं तो उसकी कोई कमी नहीं है दूध पीने का स्वभाव है तो गोबर भी मिलता ही रहेगा ये तो आम बात है तो किसानों को ही इस बारे में थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा सरकार इस बारे में पूरी सजग है और किसान को हर सहयोग देती है और जो वो उत्पाद करेंगे जैविक उत्पाद आज भी हम देखते हैं ना कुछ किसान अपने खेत के गेहूं को तो बेच देते हैं कहते हैं हमने को घर में तो खाना नहीं और मध्य प्रदेश का जो जैविक उत्पाद होता है वो गेहूं महंगा खरीद के वो घर में खाते हैं तो ये तो स्वभाव ठीक नहीं है कि हम उत्पाद ऐसा करें जो खुद भी ना खाएं जिसको खुद खाना भी पसंद ना करें ऐसा उत्पादन करें तो ये तो देश के लिए अच्छा नहीं है तो किसान को ऐसा उत्पाद करना चाहिए कि खुद भी खाए औरों को भी खिलाए जिसकी गुणवत्ता हो क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी अच्छी हो सर थैंक यू सो मच यू यू नेल्ड इट ऑन दिस सर आपका कमिंग फाइव इयर्स के लिए uh, आपका क्या विजन है आपके हरियाणा राज्य के लिए और पूरे देश के लिए देखिए देश आज हमारा देश विश्व में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है मेरा सबसे पहले अपने युवा वर्ग को मेरा संदेश है कि तमाम किस्म की बुराइयों से वो दूर रहें और एक जो हमारा परिवारों का जो बिखराव जो हो गया जो सामूहिक परिवार प्रण वाली जो एक व्यवस्था थी वो खत्म होगी उसके कारण आज तनाव बढ़ गया परिवारों के अंदर आज आदमी अकेला महसूस करता है कोई हाइपर का शिकार है कोई बीपी का कोई आर्ट, आर्ट की प्रॉब्लम का शिकार है पहले ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि संयुक्त परिवार होते थे तो सबकी समस्याएं साझी होती थी संयुक्त परिवारों की तरफ है हम लोगों को बढ़ना चाहिए संयुक्त परिवार व्यवस्था होनी चाहिए आज ये जो ये बहुमंजिला इमारतों के अंदर एक एक परिवार रहता है और वहीं पर आदमी ज़िंदगी गुजार दे पता ही नहीं पड़ोसी को भी ये कहाँ का रहने वाला है इसका क्या परिचय है एक दूसरे से कोई परिचय ही नहीं होता ये जो व्यवस्था है हमारे देश की व्यवस्था नहीं है हमारी सामूहिक परिवार प्रणाली हमारी जो वो विकसित होनी चाहिए और युवाओं को हर किस्म के जो आज जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पर असभ्यता है, है जो भोंडापन है उससे दूर रहना चाहिए और साथ ही साथ कल्चरल एक्टिविटीज जो हमारे देश का जो स्वभाव और संस्कृति थी क्योंकि हम बहुत ही सभ्य देश हमारा रहा है अः ईसाइत से पहले कहीं नहीं थी इस्लाम 1500 साल से पहले कहीं नहीं था लेकिन गीता तो 5000 6000 साल बड़ी है तो हमारे वेदों की तो पता ही नहीं कितने हजारों साल करोड़ों साल से हमारी सभ्यता इतनी प्राचीन है और जितने भी आज वर्ल्ड के साइंटिस्टों ने मान लिया है कि वेदों के अंदर सारा का सारा साइंस समाहित है और मैंने जैसे पार्लियामेंट में कहा था उसके काफी आ, उसको समर्थन मिला कि देखो अमेरिका की साइंटिस्टों ने मैं कल भी पढ़ रहा था कि ये मान लिया है कि गायत्री मंत्र के उच्चारण से एक लाख गुना पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है तो बहुत ही हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी भाषा का आविष्कार भी बहुत ही गहन तरीके से किया था हमारे स्वर व्यंजन सब के सब वैज्ञानिक हैं और सभ्य हैं हमारे जो खेल हैं वो भी एक दूसरे से हाथ मिला के और मिट्टी माथे से लगा के तब कुश्ती शुरू होती है अब अगर विदेशों की कुश्ती देखेंगे डब्लू डब्ल्यू तो भोंडे चेहरे हा हा हू हु, हु एक दूसरे को मारना पीटना और करना भोंडा प्रदर्शन करना ये हमारे देश की सभ्यता नहीं है बुल फाइटिंग हमारा देश की सभ्यता नहीं है हमारा देश से बहुत ही भाईचारे का देश रहा है और हमने विश्व को शांति की व्यवस्था सिखाई है हमने किसी को विजित नहीं किया हमने उसको उसको उस तक अच्छे विचार पहुंचाए हैं अपनी सभ्यता और संस्कृति को पहुंचाया है तो सरकार का प्रयास है पहली बार वाजपेयी के समय जी के समय में सांस्कृतिक मंत्रालय बनाया देश का दुर्भाग्य था कि सांस्कृतिक का मंत्रालय ही नहीं था देश में ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में सांस्कृतिक मंत्रालय बनाया तो आज संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है तो युवाओं को मेरा ये संदेश है कि माँ बाप से प्रेर करना प्रेम करना सीखे उनके सानिध्य में रहें उनके पास बैठे बहुत ही दुख होता है जब कोई अच्छे अवसर होते हैं बेटा बेटी लेकिन माँ बाप को वृद्ध आश्रम में रहना पड़ता है तो कितना दुख होता है कितना उसको कष्ट होता है उसके मानसिक कष्ट और कितना सभ्यता के खिलाफ है हम तो गाय बैल भी बूढ़ा जो होता था उसको भी घर में ही रखते थे वो घर में ही मर जाता था और माँ बाप को अगर बूढ़ा होने के बाद कोई अगर वृद्ध आश्रम में भेज देता है तो इससे तो बुरा कुछ भी नहीं हो सकता है उसका तो सारा जीवन ही व्यर्थ हो जाता है जो आदमी ऐसा करता है तो इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कार थे मेरा यही युवाओं को भी और आज के लोगों को भी ये संदेश है अपने परिवारों की एकता को बढ़ा के रखें और जो सोचें देश के लिए सोचें अपना स्वार्थ बाद में करें पहले समाज का और देश के बारे में सोचें तो सब जब इस व्यवस्था के बारे के ऊपर चलेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा समाज में परिवारों में एक अच्छा वातावरण पैदा होगा तो देश में भी वही जो यज्ञ और ऋषि परंपरा थी कभी-कभी 33 करोड़ देवी देवताओं को देश इसको समझा जाता था तो उसका मतलब यही था कि देश की 33 करोड़ आबादी थी वो 33 के 33 करोड़ लोग सभ्य और शिक्षित और ऋषी स्वभाव के थे इसलिए वो सभी के सभी देविय अवस्था के लोग थे तो यही इसका इसके पीछे कंसेप्ट था यही इसके पीछे विचार था तो यही मेरा आपको सबको संदेश है धन्यवाद सर हमारे साथ हमारे एक और आ, 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 ऑडियंस में से क्वेश्चन uh, है मिस्टर संदीप नारवानी जी आप uh, आपका जी आइए गुड मॉर्निंग रमेश साहब uh, सर नमस्कार नमस्ते सर सर uh, पहले तो आपको 9 वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएं uh, मैं मुंबई में रहता हूं और uh, मुंबई से uh, मैंने हरियाणा के बारे में जितना मैं न्यूज़ के द्वारा या तो फिर uh, आ, मीडिया के द्वारा समझता हूँ तो एक सवाल था जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो है महिला सुरक्षा को लेकर के आए दिन खबरें आती है मीडिया में कि कोई ना कोई हादसा होता है इसको लेकर कई सालों से यू नो सोच में ऐसे हमारे मुंबई में लोग ये समझते हैं कि कानून व्यवस्था की कहीं ना कहीं कमी है तो आपको लगता है कि ये मीडिया एक तरह से गलत दिखाता है कि क्या हमारे लड़कों में उनकी शिक्षा में कोई कमी है यहाँ तो फिर सचमुच कानून व्यवस्था यहाँ तो फिर एक ढांचे में कहीं ना कहीं कोई ऐसी बदलाव की जरूरत है जिससे महिला सुरक्षा का स्तर आप जवाब में एक बात करना चाहिए आप मुंबई में रहते हैं और मुंबई में कई बार बहुत ही आता है अखबारों में टेलीविजन के ऊपर कि कितनी बार ऐसे बार बालाओं के वो गिरोह के गोह गिरो पकड़े जाते हैं और जो रात को लंबे समय तक दिन निकले तक अंदर डांस करते हैं शराब चलती है और वो चलता है भाग तो महिलाएं भी लेती है ना उसमें अभी महिलाओं को लंबे समय से एक कॉमेडिटी के रूप में समझ लिया गया कार की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो कार की टेक्नोलॉजी बताओ लेकिन कार के साथ एक नंगे बदन के अर्ध नगन के साथ महिला खड़ी कर दी और फिर वो उसकी कार की एडवर्टाइजमेंट हर उत्पाद के पीछे महिला का प्रयोग जो है कम्युनिटी के रूप में प्रयोग कर लिया महिला को और महिला ये कहती है कि मेरी मर्जी में जो कुछ करूं अब हमारे देश की यह सभ्यता नहीं है कि हम कंडोम के विज्ञापन दें और महिला को नगन खड़ी करके उसको तो कोई भी चीज़ का उत्पाद को उसको उसको महिला को फोकस करके अपने चीज के उत्पाद का प्रचार करें तो इसमें महिलाओं को भी संभलना होगा और तौर पर बच्चों की जो लाइन होती है हो तो अभिभावक तय करते हैं अभिभावकों को अगर फुर्सत नहीं है अपने बच्चों के ऊपर टाइम लगाने के लिए और वो उसको बचपन से ही स्कूल में डाल दिया और फिर अपने ट्यूशन के ऊपर डाल दिया और फिर वो कहीं भी जाओ शाम को घूमने के लिए जाओ अपने फ्रेंडशिप करो और करो तो इसमें माँ बाप की जिम्मेदारी है हम खेती को पैदा करता है किसान तो किस अगर उसकी संभाल भी उसको करनी पड़ती है जब तक वो पक्के नहीं आ जाती तो जब तक बच्चे का दिमाग परिपक्व नहीं होता तब तक उसकी बहुत ज्यादा संभाल जरूरी है अभी हमारे हम बचपन में पढ़ते थे कि संस्कृत आता है कि पंच वर्षे, लाड़े थे, दस वर्षे ताड़े थे। तो उसका मतलब था कि पांच वर्ष तक तो लाड करो बच्चे का खूब अच्छी तरह से और ताड़ेत का मतलब है नजर रखना दस वर्ष उसके ऊपर नजर रखो कहीं वो रास्ता भटक ना जाए क्योंकि पांच और पंद्रह के बीच की जो आयु होती है उसमें बच्चे का निर्माण होता है वो दस वर्ष उसके ऊपर पूरी नजर रखनी होती है कहीं उसका रास्ता भटक ना जाए अगर उस दस वर्षों में अभिभावकों ने अपने बच्चों के ऊपर नजर नहीं रखी उनको संभाल के नहीं रखा उनको संस्कार नहीं दिए तो फिर वो बच्चे कहीं ना कहीं गुमराह होके कोई ना कोई अपराध की दुनिया के अंदर चले जाते हैं उनके संस्कार खराब हो जाते हैं तो ये हमारे पुराने शास्त्रों में सारी चीज लिखी हुई है कि पंच वर्षे लाड़ेत दस वर्षे ताड़ेत पांच वर्ष तक लाड करो दस वर्ष तक उसके ऊपर नजर रखो और पंद्रह साल के बाद उसके साथ भाई जैसा व्यवहार करो अपने जैसे भाई के साथ व्यवहार करते हैं उसके ऊपर पंद्रह वर्ष की आयु होने के बाद अगर फिर भी उसके ऊपर ताड़ना रखेंगे चौबीस घंटे उसको टोकते रहेंगे नहीं फिर वो उसका फिर विद्रोही स्वभाव हो जाएगा तो हमारे शास्त्रों में एक एक चीज का समाधान दिया हुआ है बजाय कि हम प्राचीन उसकी तरफ लौटे उनको पढ़े उनको देखें तो यही एक समाधान है जिससे हमारी बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी बहनें सुरक्षित रहेंगी महिलाओं के प्रति अपराध घटेगा कुछ हमारे महिलाओं को संभलना होगा अगर एक महिला कहेगी मेरी तो मर्जी है मैं तो कंडोम का विज्ञापन दूंगी तो फिर वो रेप को भी निमंत्रित करेगी वो दोनों काम नहीं हो सकते हैं तो उसको उन चीजों से दूर रहेगी महिला कहेगी नहीं मैं ये भोंडापन नहीं लाऊंगी पैसे के लिए कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे समाज में गलत संदेश जाए तो कुछ महिलाओं को संभलना पड़ेगा कुछ माँ बाप को संभलना पड़ेगा फिर अपने आप ही लाइन ठीक हो जाएगी मेरा इस विषय में यह विचार है शुक्रिया सर लेकिन मैं मैं ये भी कहना था आपने पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और मैं, मैं मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने जिस तरह से उस बच्चे की सारी जो शिक्षा प्रणाली है उसको आपने बताया कि पंद्रह साल तक हमें उस पर ध्यान देना चाहिए लेकिन इसमें ना आप आ, और आपने ये भी कहा कि मीडिया जो है कमोडिटाइजेशन कर रहा है वो भी बहुत सही बात है आ, लेकिन एक बार जब हम ये आ, मेरा उसको फॉलोअप सवाल ये है कि जिस तरह से मीडिया यानी जो फिल्में हैं उससे आपको क्या लगता है कि क्या असर पड़ता है क्योंकि अब जैसे नेटफ्लिक्स एमेजोन प्राइम वगैरह चीजें आ गई है जिसमें विदेश की सारी जो मीडिया है वो अब हमारे मोबाइल में आ गई है एक तरह से और अब उसमें कोई खर्चा भी नहीं एकदम सस्ता हो गया है तो सबके मोबाइल में आ गया है और हमारे जो जिस तरह के गाने बनते हैं जिस तरह की यू नो सीरियल्स पिच्चे, पिच्चे, आते हैं उसमें बस मेरा आखिरी सवाल ये उसको लेकर के आपकी क्या राय है कि क्या उससे हमारे जो बच्चे होते हैं जिनका ध्यान आकर्षित होता है कुछ विदेशी संस्कृति की तरफ उसको उसको कैसे रोका जाए मेरा शॉर्ट में बिल्कुल एक लाइन में मेरा उत्तर ये है कि कोई भी ऐसा कदम चाहे वो फिल्मों का हो चाहे विज्ञापनों का हो चाहे वो टीवी चैनल्स का हो कोई भी वो कदम जिससे आदमी की मानसिक प्रवृत्ति खराब होती हो जिसमें सांस्कृतिक गिरावट होती हो उसको सख्ती से बंद कर देना चाहिए बैन कर देना चाहिए सरकार को मेरा इस विषय में केवल मात्र दो लाइन का ये सुझाव शुक्रिया साहब शुक्रिया बहुत, बहुत 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 शुक्रिया और आपको शुभकामनाएं धन्यवाद थैंक यू सर हमारा आई जो है वो रिस्पॉन्सिबल बिजनेस लीडर्स बनाता है आपका इतना बड़ा जो विजन है उसको रियलाइज uh, करने के लिए देश के कारपोरेशन और एनजीओज आपकी क्या सहायता या किस तरह से आपसे आपके विजन को से जुड़ सकते हैं देखिए बहुत कुछ एनजीओ तो बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं और कुछ तो ऐसे भी लोगों ने बनाई हुई है अब मैं सांसद हूं मेरे पास भी ऐसे लोग आ जाते हैं जी मैंने एक संस्था बनाई हुई है कुछ के लिए कुछ दे दीजिए सांसद निधि दी से हम आपस में बांट लेंगे ऐसे भी बहुत लोग फिरते हैं तो हम देखते हैं ऐसे लोगों को बहुत और हम तो बहुत दूर रहते हैं ऐसे लोगों से उनको मैं झड़क देता हूँ खड़का देता हूँ कि मेरे पास इस काम के लिए आने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी तो लेकिन बहुत एनजीओ अच्छा काम भी कर रहे हैं और सी एस आर स्कीम के तहत हमारा जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो मामला है उसमें देश पैसे का बहुत अच्छा प्रयोग हो रहा है बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जैसे हरियाणा में सी मैंने देखा है और भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनको स्किल इंडिया के लिए ये पैसा सी का प्रयोग हो रहा है तो इसमें काफ़ी अच्छी संस्थाएं भी हैं और बहुत से जो बोगस एनजीओ बनाए हुए थे लोगों ने बोगस कंपनियां खोली हुई थी हमारी मौजूदा सरकार ने उनको बंद भी किया है बहुत पैसा बर्बाद होता था बहुत लोग सिर्फ एन को अपनी कमाई के लिए बस अपना खा बही खाता पूरा कर दिया और अपना पैसे को हजम कर लिया ऐसा करते थे उन चीजों को बैन भी कर दिया गया है लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा है अच्छे एन जो हैं वो जो हर प्रकार से जो काम करते हैं शिक्षा के तो उनको बढ़ावा दिया जाए उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं और सी एस स्कीम के तहत तो मेरी समझ में पैसा अच्छा ही मदों के ऊपर प्रयोग होता है सी एस आर का जो पैसा है वो जाया नहीं होता है लेकिन कुछ ऐसे स्किल डेवलपमेंट बोगस सेंटर हमने देखे हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के महेंद्र पांडे जी ने एक बार मेरी ड्यूटी लगाई थी कि अपने क्षेत्र में देखिए जो स्किल डेवलपमेंट के जो केंद्र खोले हुए हैं तो मैंने कुछ चेक किए तो देखा के वो केवल सर्टिफिकेट का ही काम कर रहे हैं उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वो ऑफिस सर से मिलजुल और वहाँ से सर्टिफिकेट दे, दे देते हैं बता देते हैं हमने इतने लोगों को ये हुनर दे दिया ये चीज सिखा दी और पैसा ले लेते हैं और धरातल पर उनके पास कुछ नहीं है तो ऐसे लोगों की मॉनिटरिंग पूरी तरह से करनी चाहिए उनको बैन करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ऐसे जो सही काम करते हैं उन केंद्रों को बढ़ावा दिया, दिया जाना चाहिए और आपके मैं इसको धन्यवाद देता हूँ कि आपका जो आईसीसीआर जो अपना जो काम कर रहा है पूरे देश में तो उसके लिए आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ नव वर्ष की और आशा करता हूँ कि आप इसी तरह देश के लिए काम करते रहेंगे समाज के लिए युवा वर्ग के लिए प्रेरणात्मक प्रोग्रामों का आयोजन करते रहेंगे मेरी पुनः नए साल के लिए बहुत बहुत शुभकामना हमारे सारे सवालों का इतने पेशेंटली आंसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार हमारी और हमारी सारी टीम की ओर से और हम सब की तरफ से आपको नववर्ष की और आपके विजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं धन्यवाद